नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर डिस्कॉर्ड क्लासेस ब्रेन फार पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आपको भारत के प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाएं तथा इसमें कुछ पुरस्कार हैं साहित्यों के बारे में आज बताएंगे, जिसमें आपके जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें आपके भारतेंदु हरिश्चंद हैं, जो इन्हीं के नाम पर भारतेंदु को पड़ा और 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी, 35 वर्ष की अवस्था में जीवित रहे। आप लोग जानते हैं फिर जयशंकर प्रसाद हैं, ये छायावादी रचना के सूत्रधार हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविता किया करते थे और इनकी भी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुमित्रा नंदन पंत्र, ये इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था, ये छायावादी युग के महेश माने जाते हैं। और महादेव वर्मा, ये आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं, छायावादी युग की चौथी स्तंभ है। छायावादी युग में चार स्तंभ होते हैं और इसमें तीन हैं, एक और निराला नहीं है इसमें, लेकिन इसमें चार स्तंभ आते हैं। मैत्री शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग के कवि हैं, इनके बड़े भाई का नाम सिया राम शरण गुप्त था। मैत्री शरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्रवादी के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले हिंदी साहित्य परंपरा से शुरुआत करते हैं। मेन टॉपिक आपको इसमें बताते हुए आगे चलते हैं, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। इसमें आपके जाने जाते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत, जिसमें नंबर एक कवि आते हैं गारसादा तासी, गारसादा तासी। हिंदी साहित्य परंपरा की शुरुआत करने वाले लेखक हैं गारसादा तासी। इनकी जो रचना है इस्तवार दाला रेत्योर आप एंदोई एंदुस्तानी, इस्तवार दाला रेत्योर आप एंदोई एंदुस्तानी। अठारह में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें आपके 738 कवि, जिसमें आपके 738 कवि में 72 कवि में 72 कवि हिंदी व उर्दू के थे। साहित्य इतिहास की परंपरा की शुरुआत करने वाले गारसादा तासी हैं इस्तवार दाला रेत्योर आप एंदोई एंदुस्तानी। इनकी भाषा है फ्रेंच भाषा में ये लिखे हैं।
फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इन्होंने कासा तासीस त्वार दाला रे त्यूराप एंदोई हिंदुस्तानी 1839 फिर 1827 47 फिर 1871 इनके दो पत्रिकाओं में इनका जो है ये संचालन हुआ। गासा तासी, इसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर, दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर, इसका है रचनाएं इनकी है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज आप जानते हैं, शिव सिंह सरोज इनकी जो शिव सिंह सरोज, इसके बाद 1839 में हुआ, फिर इनका इनकी रचनाएं शिव सिंह सरोज 1883 में 1000 कवियों में इनका है 1883 ईस्वी में ये रचनाएं हुई, जिसमें 1000 कवियों में 838 कवि कवियों का उल्लेख है, 838 कवियों का उल्लेख है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर इनकी शिव सिंह सरोज रचना है 1883 ईस्वी में 1000 कवियों में 838 कवियों का उल्लेख है। हिंदी साहित्य में हिंदी में परंपरा की शुरुआत करने वाले कवि शिव सिंह सरोज हैं। इनकी भाषा कौन सी थी? हिंदी थी। इन्होंने 838 कवियों का उल्लेख मिलता है 1000 कवियों में, और हिंदी में शुरुआत करने वाले ये पहले कवि थे। कासा तासी ये फ्रेंच भाषा में शुरुआत हुआ, वर्णाक्रम इनका इंग्लिश में था, अंग्रेजी में था, लेकिन भाषा इनका था फ्रेंच भाषा। अगला पॉइंट है, चलते हैं अगला पॉइंट, कासा तासी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है कि हिंदी साहित्य की परंपरा की शुरुआत करने वाले कौन से कवि हैं। गासा दा तासी, तीसरा पॉइंट है जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन जो है इनकी रचनाएं हैं द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ईस्वी में ये लिखे हैं जॉर्ज गियर्सन द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज गियर्सन 1883 ईस्वी में इनकी रचना हुई थी। और इनकी जो भाषा थी अंग्रेजी, इनकी भाषा अंग्रेजी थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। इन्होंने हिंदी को वैज्ञानिक लिपि कहा, हिंदी को सुव्यवस्थित वैज्ञानिक रूप में माना, और इन्होंने भक्तिकाल के स्वर्णयुग कहा, उन्होंने भक्तिकाल को स्वर्णयुग माना, भक्तिकाल को स्वर्णयुग
माना। दूसरा है इन्होंने ये कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित करने वाले प्रथम कवि हैं, प्रथम लेखक हैं, निर्धारित करने वाले प्रथम लेखक हैं, कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित करने वाले प्रथम लेखक हैं। तीसरा पॉइंट है इन्होंने हिंदी के देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक वैज्ञानिक लिपि माना। भक्त के स्वर्णयुग माना, इन्होंने भक्ति काल को स्वर्णयुग माना। भक्ति काल के स्वर्णयुग माना। ये कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित करने वाले प्रथम लेखक हैं। इन्होंने हिंदी को देवनागरी एवं वैज्ञानिक लिपि माना। जॉर्ज गेर्टसन बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनकी भाषा अंग्रेजी है। 1883 ईस्वी में इनका जो रचना काल है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज गेर्टसन भक्ति काल को स्वर्णयुग काल कहा। ये कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित करने वाले प्रथम लेखक हैं। इन्होंने हिंदी को वैज्ञानिक लिपि माना। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट है मिश्र बंधु। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्रबंध विनोद इनकी रचना है। प्रथम तीन भाग, इनके चार भाग हैं। प्रथम तीन भाग 1913 ईस्वी तथा चतुर्भाग 1934 ईस्वी को माना। और जॉर्ज गेर्टसन जो हैं 1000 में 952 कवियों का इन्होंने संग्रह किया है, ये भी जानते रहिए। 1000 में 952 कवियों का जीवन परिचय इन्होंने दिया है, कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित किया है। और मिश्रबंधु जो हैं ये तीन भाई थे, तीनों भाई हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। एवं गणेश बिहारी मित्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी तीन भाई थे, आप जानते रहें। मिश्रबंधु विनोद इन्होंने जो है गुरु गोरखनाथ का प्रथम लेखक माना। 4591 इन कवियों का इन्होंने संग्रह किया है। 5000 में से 4591 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है, उल्लेख किया है 4500 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। और इन्होंने गुरु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। इन्होंने
गुरु गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। इन्होंने गुरु गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। तो आप जानते रहे 4591 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है मिश्रबंधु। इसके बाद पांचवा नंबर पे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में ये लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास। बाद में नागरी पहचानी पत्रिका में प्रथम जो है इनका हिंदी साहित्य का विकास के रूप में छपा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को चार कालों में बांटा है। पांचवें नंबर पर आते हैं। इसके बाद छठवें नंबर पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा इंपॉर्टेंट हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये लिखे हैं सन 1938 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल पहले नंबर पे आता है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 में लिखी गई। इसके बाद इनकी और रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, उद्भव और विकास। तीसरा पॉइंट है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद आता है नाथ सिद्धू मध्यकालीन हिंदी बोध का स्वरूप, मध्यकालीन हिंदी बोध का स्वरूप नाथ सिद्धू की बानियां। नाथ सिद्धू की बानियां। इसके बाद आता है आठवें नंबर पर गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का
वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त। यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके बाद आगे आते हैं आठवां, नवे नंबर पे आता है डॉक्टर राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर राम खिलावन पांडे का है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। इसके बाद दसवें नंबर पे आता है राहुल साकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा हिंदी काव्य धारा प्राचीन कवियों कविताएं दूसरा है प्राचीन कवि एवं कविताएं, तीसरा है दक्षिणी हिंदी का अवधारा, दक्षिणी हिंदी का अवधारा, हिंदी का अवधारा प्राचीन कवियों कविताएं, दक्षिणी हिंदी का अवधारा, ये राहुल साकृत्यायन का है। इसके बाद आते हैं गुलाब राय, ग्यारह है गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ये गुलाब राय की लिखा हुआ है रचना है। और इनका एक और है हिंदी काव्य विमर्श, दूसरा पॉइंट है हिंदी काव्य विमर्श। हिंदी काव्य विमर्श ये हिंदी का विमर्श बहुत आता है। इसके बाद है तेरह है बारह पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, इनकी रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। इसके बाद तेरह है तो आप जानते रहे डॉक्टर राम खिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, राव सत्यान, हिंदी काव्यधारा, प्राचीन कवियों कविताएं, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा, गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी काव्य विमर्श, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। तो आप जानते रहे हिंदी साहित्य विमर्श। इसके बाद आता है तेरा धीरेन्द्र वर्मा, इनकी रचना है हिंदी साहित्य, धीरेन्द्र वर्मा इनकी रचना है हिंदी साहित्य।
14 है सुमन राजे। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इसके बाद 15 है डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसके बाद आते हैं परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी का है उत्तरी भारत की संत परंपरा। उत्तरी भारत की संत परंपरा। 17 है प्रोफेसर टीकम सिंह तोमर। प्रोफेसर टीकम सिंह तोमर का है हिंदी वीर काव्य। इसके बाद आते हैं मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया का है राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। इनका है राजस्थानी भाषा साहित्य। कंड है राजस्थानी पिंगल साहित्य। मोतीलाल मेनारिया का है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये जानते रहे आप लोग। इसके बाद आते हैं श्री प्रभु दयाल मित्तल। श्री प्रभु दयाल मित्तल राधा बल्लभ और उसके संप्रदाय। राधा बल्लभ और उसके संप्रदाय। राधा बल्लभ और उसके संप्रदाय हिंदी साहित्य परंपरा की शुरुआत करा इसमें लिखा रहे हैं। हिंदी साहित्य शुरू किए हैं तो हिंदी साहित्य में आपकी परंपरा की शुरुआत करने वाले गाशा दत्तासी हैं, जिसमें इन कवियों के नाम हैं और उसकी रचनाएं हैं। तो आप जानते रहें। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत करने वाले कवि हैं गाशा दत्तासी, इस्तवार दाला रेत्यूर आप एंदोई एंदोस्तानी। 1839 ईस्वी में लिखे हैं और 738 कवियों में 72 कवि हिंदी उर्दू के थे। फ्रेंच भाषा में शुरुआत किए हैं तो आप जानते रहें। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लिखे हैं। हिंदी साहित्य में शुरुआत करने वाले गाशा दत्तासी हैं और हिंदी में शुरुआत करने वाले इतिहास को लिखने वाले शिव सिंह सेंगर हैं। 1883 ईस्वी में लिखे हैं। 1000 कवियों में 838 कवियों का उल्लेख है इनका। अगला पॉइंट है जॉर्ज गियर्सन। इनका पूरा नाम है द अब्राहम
जानकी अर्सन, इनकी रचनाएं हैं द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 952 कवियों में इनका जो है 1000 कवियों में 952 कवियों का इन्होंने अंग्रेजी में, इनकी भाषा क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है। और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है जॉर्ज गियर्सन ने ही। ये कालक्रम के दृष्टि से निर्धारित करने वाले पहले लेखक हैं। इन्होंने कवियों का जीवन परिचय कालक्रम बनाया और कालक्रम के रूप में इन्होंने निर्धारित किया। इन्होंने हिंदी को देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक लिपि माना। कौन थे, जॉर्ज गियर्सन। इनकी रचनाएं ये आपके लेखक हैं, कौन हैं, लेखक हैं, और इनकी क्या है, रचनाएं हैं, कृतियां हैं, तो आप जानते रहें। अगला पॉइंट है मिश्रबंध। मिश्रबंध विनोद, ये इनकी कृतियां हैं और 1913 में तीन भाग 1913 में लिखे थे और चतुर्थ भाग 1934 में लिखे हैं। और श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी तीन भाई थे, तीनों भाई लेखक थे और इसीलिए इनको मिश्रबंध बोला जाता है। इन्होंने गुरु गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। आचार्य, और पाँचवें नंबर पर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखे हैं। नागरी प्रचारी पत्रिका काशी में 1940 में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से छपा था। पहले हिंदी शब्द सागर के रूप में आया, बाद में हिंदी साहित्य के विकास के रूप में छपा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और सन 1938 में लिखे गए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन हिंदी बोध का स्वरूप, नाथ सिद्धों की बानियाँ, ये सारे इन्हीं की रचनाएं हैं। गणपत चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी वेरी इंपॉर्टेंट है, आते हैं। डॉक्टर राम खिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, राव साकृत्यायन, हिंदी काव्यधारा, प्राचीन कवि एवं कविताएं, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा, गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी काव्य विमर्श, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श, ये आप जानते रहें। इसके बाद आता है धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य, सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये महिला हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये इम्पॉर्टेंट है। परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परंपरा। प्रोफेसर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। मोतीलाल मिनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। श्री प्रभु दयाल मित्तल, राधा बल्लभ और उसके संप्रदाय। ये सारे आपके आते हैं। इसके बाद पादरी एफ ई के ई, कौन सा नंबर आता है इनका, 20। पादरी एफ ए के ई, पादरी एफ ई के ई, इनकी जो रचनाएं हैं ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इनकी रचनाएं हैं स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, उन्नीस सौ अठारह ईस्वी में इनकी रचना हुई, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके बाद पादरी एडविन गिब्स,
पादरी एडविन गिब्स। इसके बाद 21वां है पादरी एफ ई के ई। इनकी रचना है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इनकी रचना 1920 ईस्वी में हुई थी। और इसी प्रकार ये आपके मुख्य रूप से हो गए, और इसमें आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ९०० वर्षों के इतिहास को चार कालों में बांटा है। 900 वर्षों के इतिहास को चार कालों में बांटा है। नंबर एक आपका आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को चार कालों में बांटा है। नंबर एक आता है आपका आदिकाल, दूसरा आता है भक्तिकाल, तीसरा आता है रीतकाल, और चौथा आता है आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, वीरगाथा काल। इसकी शुरुआत 1050 से 1375 ईस्वी के बीच शुरुआत हुई। विक्रम संवत, इन्होंने विक्रम संवत माना है 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्तिकाल का दूसरा रूप होता है पूर्व मध्यकाल। इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है, और इसकी शुरुआत माने हैं 1700 से 1900 विक्रम संवत। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा, और इसको माने हैं 1900 से 1957 या अब तक। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। 1050 से 1375 ईस्वी के बीच शुरुआत हुई। भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल है, 1700 विक्रम संवत के बीच शुरुआत हुई। रीतकाल है उत्तर मध्यकाल, 1700 से 1900 विक्रम संवत के रूप में शुरुआत हुई। आधुनिक काल गद्य काल होता है 1900 से अब तक। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। नंबर एक पे आते हैं आदिकाल।
आदिकाल आप जानते हैं, इसका रचना काल है। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। इसका रचना काल है एक हजार पचास से 1375 विक्रम संवत। इसको अगर ईस्वी में निकालिएगा तो आपका माइनस 57 आप कर देंगे, 57 माइनस कर देंगे तो आपका 1643 ईस्वी से 1643 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, 1318 ईस्वी तक माना जाता है अगर विक्रम संवत को ईस्वी में करेंगे। आदिकाल का पूर्व नामकरण और लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। चले आगे। आदिकाल 1050 से 1375, 1643 से 1318, ये अंतिम राजा हर्षवर्धन के समय से शुरुआत हुई थी आदिकाल की शुरुआत। और यहाँ पर वीरों का काल कहा गया है। इसमें इस काल में राजा आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे के बहुत ईर्ष्या करते थे। देश के प्रति सम्मान का अभाव था, नारी के प्रति जो है श्रद्धा थी, सम्मान था। और इस काल में डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता रहा है आदिकाल में। आदिकाल में जो प्रमुख आपके पहले आपके रचनाएं थी, उसमें रचनाएं में आपके आते हैं लेखक एवं रचनाएं। आदिकाल में जो रचनाएं आते थे आपके, जिसमें आपके जगनिक परमाल रासो, जिसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है, इसमें जो अंतिम खंड आपका महोबा समय दिया जाता है, 36 खंड हैं इसमें। इसके बाद आते हैं प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई आते हैं, इनकी रचनाएं हैं पृथ्वी राज रासो। पृथ्वी राज रासो का 69 इनका समय है में दिया गया है। इनको छपयों का राजा कहा जाता है। समय माने ईस्वी, अखंड क्या कहा जाता है, आलाखंड। परमार रासो, पृथ्वी राज रासो, जगनिक परमार रासो, चंद्रवरदाई पृथ्वी राज रासो। अगला पॉइंट है पृथ्वी राज रासो। इसके बाद बीसनर बीसल देव रासो नरपति नाल, तीसरा पॉइंट है। नरपति नाल, इनका रचना है बीसल देव रासो। नरपति नाल बीसल देव रासो, इसकी जो ट्रिक है बीस नर, याद रखिएगा बीस नर। ये प्रथम श्रृंगारी परक रचना है, श्रृंगार के रूप में ये जाना जाता है। तो लेखक की रचनाएं याद रखिएगा बीसल देवरासो, इसका की रचना कौन है नरपत नाल। इसके बाद चौथा है नल सिंह। इसका है विजयपाल रासो। नल सिंह विजयपाल रासो,
इसकी रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं आपके पांचवें कवि हैं दलपति विजय। खुमान रासो, दलपति विजय, खुमान रासो। इसके बाद छठे नंबर पे आते हैं विद्यापति। विद्यापति आते हैं आपके कीर्तलता, कीर्त पताका, पदावली। इसके बाद आते हैं कुसरो, खालिक बारी। इनकी रचनाएं हैं खुसरो की पहेलियां। दूसरा है नए जमाने की मुकरी, नए जमाने की मुकरियां। नरपति नाल, बीसल देव रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, दलपत विजय, कुमार रासो, विद्यापति, कीर्तलता, कीर्त पताका, पदावली, कुसरो जो है खालिक बारी, कुसरो की पहेलियां, नए जमाने की मुकरियां, ये आप जानते रहें। इसके बाद आपके आठवें नंबर पर हैं भट्ट केदार। भट्ट केदार आते हैं, ये भी लेखक हैं, और भट्ट केदार की रचनाएं हैं जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश, ये आपके जो है सभी जितने लेखक लिखा रहे हैं ये आदिकाल के लेखक हैं, और आदिकाल में परमार रासो, जगनिक, बीसल देव रासो, बीसनर, नरपति नाल, विजयपाल रासो, है ना, नल सिंह, नल विजय, और पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, है ना, खुसरो, अमीर खुसरो को तोतिया हिंद बोला जाता है, तोता है हिंद, पहेलियाँ और मुकरियों के और तबला और सितार वादक के जनक माने जाते हैं। खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, इनकी रचनाएँ हैं। भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश है, और ये सारे काल के कवि के रूप में आते हैं। इसके बाद मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका, नौवा है मधुकर कवि। इसकी रचनाएं हैं जय मयंक जस चंद्रिका, तो ये सारे आदिकाल में आते हैं। नरपति नाल, नल बीसनर, बीसल देव रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, दलपत विजय, कुमार रासो, विद्यापति, कीर्तलता, कीर्त पताका, खुसरो की पहेलियां, खालिक बारी, हालात, खुसरो की पहेलियां, नए जमाने की मुकरियां, भट्ट केदार, जयचंद, जयचंद होगा, जयचंद, जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि, जय मयंक जय चंद्रिका। इसके बाद आते हैं आपके, इसमें आपके हिंदी का नामकरण। आदिकाल का नामकरण, काल का
नामकरण। तो आदिकाल को कहने वाले जो कवि हैं, ये आप जानते रहे, बहुत आता है इसमें। नामकरण एवं लेखक, इसको जरूर याद रहना चाहिए, नामकरण एवं लेखक। आदिकाल को आदिकाल कौन कहा है? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? कौन कहा है आदिकाल को? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? चारण काल गियर्सन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? सिद्ध सामंत काल, सिद्धों का काल कहा, किसने कहा है? राहुल साकृत्यायन। आदिकाल को अपभ्रंश का काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? आरंभिक काल मिश्र बंधु। तो आप जानते रहे आदिकाल को डॉक्टर हजारी द्विवेदी, चारण काल गियर्सन कहे हैं, सामंत काल राहुल साकेत्यान, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आरंभिक काल मिश्र बंधु। अगला पॉइंट है, चारण एवं संधि का काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला पॉइंट है, अंधकाल किसने कहा है? आदिकाल को अंधकाल कपिल कुल श्रेष्ठ, कपिल कुल श्रेष्ठ। दूसरा है, आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी। तीसरा पॉइंट है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? प्रारंभिक एवं उन्मेष का काल। गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त। आदिकाल को प्रारंभिक एवं उन्मेष काल कहा गणपति चंद्र गुप्त। और संक्रमण एवं प्रवर्तन के काल किसने कहा आदिकाल का? संक्रमण एवं प्रवर्तन का काल डॉक्टर राम खिलामन पांडे। आदिकाल को संक्रमण एवं प्रवर्तन का काल कहा डॉक्टर राम खिलामन पांडे। आदिकाल को दो उजालों के बीच, दो उजालों के बीच
एक अंधेरा, त्रिलोचन प्रसाद, दो उजालों के बीच एक अंधेरा, त्रिलोचन शास्त्री। तो ये सारे आदिकाल के नामकरण करने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर आता है आदिकाल का अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा। आदिकाल को सिद्धों का काल किसने कहा? सिद्ध सामंत का राहु साकित्यायन। वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्रबंधु। और प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त। ये इतने सारे याद रहने चाहिए, तो इसी में से आता है। आधार काल मोहन अवस्थी, मोहन आधार हैं, श्री कृष्ण क्या हैं? आधार हैं। कपिल कुल श्रेष्ठ, कपिल अंधा हैं, अंधकाल कहा है, अंधों का काल कहा है। आदिकाल को अंधकाल किसने कहा? क्योंकि सब अंधे थे, आपस में लड़ते रहते थे, है ना, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और आपस में ही लड़ाइयाँ करते रहते थे। आलाखंड में परमार रासों में जगनिंग ने कहा है कि 12 वर्ष और कुकुर जीवे और 16 वर्ष जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन के धिक्कार, जो मर जाइए खटिया पे तो कौआ गिद्ध न खाए मांस। तो परमार रासो आप जानते हैं जगनिक है, आदिकाल को जगनिक कहें, क्या कहा है? परमार रासो, है ना, परमार रासो जो है दूसरा नाम है आलाखंड, और इसमें आषाढ़ के महीने में गाया जाता है, समझ रहे हैं। तो बैसवाड़ा इसका केंद्र है। आला और उदल ये दो महावीर थे, बनापर शाखा के मुख्य रूप से कवि माने जाते हैं। तो ये सारी रचनाएं परमार रासो कौन लिखा है? जगनिक। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन किया गया है। अब पृथ्वीराज चौहान जानते हैं कि दिल्ली के राजा थे, सम्राट माने जाते थे, और तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी से हार गए, है ना। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में द्वितीय, हाँ, पंजाब के भटिंडा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, इसमें हार गए थे। तो आप जानते रहे, तो ये सारे मैंने आपको मुख्य कवियों का मैंने नामकरण किया है, इसको जरूर याद करिए, है ना, जिससे आपको परीक्षा भी होगी, इसमें जो रचनाएं हैं उसको याद कर लीजिए। इसके आगे आपको भक्ति काल में जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको बताएंगे, प्रमुख रचनाएं, तो इसको आप याद करते चलिएगा, आपको जरूर परीक्षा में इस परीक्षा पे होगी, आपको बहुत उपयोगी रहेंगे। तो अगले दिन फिर आपको भक्ति काल के बारे में बताएंगे। आदिकाल में शुरुआत करने वाले, हिंदी साहित्य की परंपरा की शुरुआत करने वाले कवि कौन है? आप लोग जानते रहें, द हिंदी साहित्य दरेत्योर आप गासर तासी हैं, गासर तासी जो है हिंदी साहित्य परंपरा की शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, दाला रित्योर आप हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखे हैं गासर तासी। इसके बाद शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर लिखे हैं, प्रथम हिंदी साहित्य परंपरा की शुरुआत करने वाले शिव सिंह सेंगर हैं। इसके बाद जॉर्ज गियर्सन हैं, द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कालक्रम की दृष्टि निर्धारित करने वाले प्रथम कवि हैं। इसके बाद आपका आता है, और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जॉर्ज गियर्सन ने। फिर मिश्र बंधु आते हैं, मिश्र बंधु तीन भाई हैं, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना है, 1913 में ये प्रथम तीन भाग इनकी रचना लिखी गई है, और 1934 में चौथा भाग लिखा गया है, है ना, 3991 5000 कवियों में 3991 कवियों की रचना की मिश्रबंध। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल, राहु साकित्यायन हिंदी का अवधारा, दक्षिण प्राचीन कवि और कविताएँ, दक्षिणी हिंदी का अवधारा, है ना। इसके बाद धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य, पदुलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य, हिंदी वाङ्मय साहित्य, और गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी वाङ्मय विमर्श। इसके बाद
परशुराम चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य परंपरा का इतिहास, ये सारे आपके हिंदी साहित्य में लिखा दिए गए हैं। तो इसको आप जरूर याद करिए, आपको बहुत परीक्षा उपयोगी है। समय समाप्त होता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे फिर दूसरा भाग। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।